हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त इंजीनियर हर्षित त्रिवेदी, चीफ प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, आज आपके साथ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द सिलेक्टेबल डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज के दौर में पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ घंटों से ज्यादा रहना मुश्किल है। यह फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। यह फील्ड ऐसी है जहां डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में हर लोगों को जरूरत रहती है। आप लोगों ने 4 साल में 8 सेमेस्टर में बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। यह नॉलेज आगे जाके आपकी कैरियर में बहुत काम आने वाले है। सदियों पहले मनुष्य बहुत सालों तक गूंगा रहा और सांकेतिक भाषा में वो बात करने लगा, लेकिन मनुष्य ने उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया और एक दूसरों के साथ लैंग्वेज से बात करने लगे। दोस्तों, पूरे विश्व में 5000 से 7000 लैंग्वेजेस है। हमारे देश में 122 लैंग्वेजेस है एंड अदर लैंग्वेज 1500 से ज्यादा है। लैंग्वेज को समझने के लिए 18 महीने से 60 महीना, जी हाँ, जन्म से बच्चा 18 महीना से 60 महीने के बीच में लैंग्वेज को समझता है और उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न करता है। आप लोगों को लगता होगा कि आज मैं आपके साथ लैंग्वेज के बारे में क्यों बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज से कुछ हफ्तों तक हम लोग लैंग्वेज से बात करेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। आज से हम आपके साथ 5 लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही बात करेंगे। एक कोर्स, दूसरा स्टैंडर्ड्स, थर्ड इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फोर्थ डेटा शीट्स एंड फिफ्थ ड्राइंग्स। तो दोस्तों, पहली और दूसरी लैंग्वेज, कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में पहले बात करते हैं। दोस्तों, व्हाई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स रिक्वायर? कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स रिक्वायरिंग कंप्लायंस बाय वेंडर्स, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ओनर्स रिगार्डिंग डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। कोड्स एंड स्टैंडर्ड आल्सो अलाउ पर्सनल टू एक्सपांड देयर नॉलेज बेस्ड बाय यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कोड्स टेल यू व्हाट यू नीड टू डू एंड स्टैंडर्ड टेल यू हाउ टू डू इट। मीन, a code may say that building must have fire alarm system. However, standard will spell out what kind of system and how it must work. Code कहेगा कि यह चीज करनी है और standard कहेगा कि यह चीज क्या क्या parameters को consider करते हुए करनी है। आपको एक simple सा example बताना चाहता हूँ। एक बड़ी building है, code कहेगा कि यह building में fire alarm system लगानी है और स्टैंडर्ड उसमें डिटेल में इलोबरेट करेगा कि कैसी सिस्टम लगानी है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या सेफ्टी होना चाहिए और उसी को लेते हुए सिस्टम डिजाइन होती है। मैं एक दूसरा एग्जांपल उसी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। कोड इज सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर द डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग इन ए बिल्डिंग, जबकि स्टैंडर्ड एंश्योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम that are safe for people and property. Such wiring is subject to rigorous safety standard for design and installation. Dosto, har country ke khud ke codes and standards rehte hai aur har kisi ko usko follow karna jaruri rehta hai. Agar ek country se dusre country mein aapki product ja rahi hai तो आपको जिस कंट्री में वो इक्विपमेंट या वो इंस्टॉलेशन एस्टैब्लिश होता है, वो कंट्री के कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने रहते हैं। मैं एक उदाहरण तौर पे यहां से अमेरिका कुछ प्रोडक्ट भेज रहा हूं, तो मुझे इंडिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स है, जो ANSI है, ANSI कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने रहते हैं। किसी कंट्री के कोई आइटम में कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स क्लियरली इंडिकेट नहीं करते हैं
वहां आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और वो फॉलो करने रहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के लिए BIS एंड I रूल्स को फॉलो करते हैं। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत, और I रूल्स जो कि CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के तहत फॉलो करते हैं। और अगर यह दोनों में पर्टिकुलर कोई आइटम में क्लैरिटी नहीं है, उस वक्त हम लोग IEC, जी हाँ, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो कि जिनीवा में स्विट्जरलैंड में है, उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए कोड्स एंड स्टैंडर्ड डेवलप करता है। और अगर BIS, I रूल्स एंड IEC ये तीनों अगर कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, उस वक्त आपको IEEE, जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की गाइडलाइन फॉलो करनी रहती है। दोस्तों, इसके सिवा फायर एंड सेफ्टी के लिए NFPA है, जी हाँ, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसकी भी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी रहती है। अगर आप IEEE स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट पूरे विश्व में कहीं पे भी आप सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा विश्व IEEE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। जिस कंट्री में प्लांट एस्टैब्लिश हो रहा है, उस कंट्री के कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स डिजाइनर को, मैन्युफैक्चरर को और इंस्टॉलर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। कॉमन स्टैंडर्ड होने की वजह से मास प्रोडक्शन भी हो सकता है और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, लैंग्वेज कोड्स एंड स्टैंडर्ड इज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट एस्टैब्लिश इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कुछ सालों पहले नॉलेज इज पावर वो फ्रेज गिना जाता था, लेकिन आज की तारीख में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज विथ राइट स्किल इज अ पावर। यानी कि आपने जो आपका एजुकेशन गेन किया है, उसके साथ स्किल होने के बाद ही आप डेवलप हो पाएंगे। यहाँ तक काफी सारे किताबें पढ़ी, काफी सारे वर्कशॉप अटेंड किए, गूगल पे जाके आपने काफी सारे डेटा गैदर किया, लेकिन वो नॉलेज को कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सब चीजें हम लोग यहाँ हैंड्स ऑन वर्क में करने जाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ सालों से इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 50% से ज्यादा सीटें खाली रहती है। लोगों के मन में इंजीनियरिंग में जाना मतलब आगे जाके अनएम्प्लॉयमेंट होना, ऐसा फीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में इंडस्ट्रीज में स्किल इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। जब मैंने AICT का सर्कुलर पढ़ा, 2022 तक नई कॉलेज की परमिशन रोक दी है। यह बताता है कि लोगों के मन में इंजीनियरिंग कम्युनिटी या इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी की काफी सारे संदेह है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स की काफी शॉर्टेज है। इंडस्ट्रीज को स्किल इंजीनियर्स की जरूरत है, और यहां हम हैंड्स ऑन वर्क में आपको यही करने वाले हैं। मैं मेरा 30 साल का जो तजुर्बा है, उसके बेस पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड काफी इजी है। बस आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जिससे आप इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छी तरह काम कर सके। यहाँ हम आपको एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं। यहाँ हम आपको आपका एकेडमिक सब्जेक्ट को रिफ्रेश करते हुए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, वो बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का दौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जी हाँ, यंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा दौर मानता हूं। आजकल पूरे भारत में गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में
काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लाइक अडानी, रिलायंस, टाटा, विक्रम सोलर, उस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज सोलार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। उसी में से मैं एक अडानी ग्रुप की अडानी रिन्यूएबल कंपनी जो अगले 5 साल में 1 गीगावाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने लास्ट 8 साल के अंदर 13 गीगावाट से ज्यादा के पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया में इंस्टॉल किए हैं और अगले 5 साल में करीब 4 लाख नए जॉब क्रिएट करने वो लोग जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं 8 गीगावाट का एस्टैब्लिश होना मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी होना। आप अपनी जॉब, अपने लाइकिंग जॉब ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप या तो अडानी में या उनको जो इक्विपमेंट सप्लायर कंपनीज है यानी कि OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे कि ABB, सीमेंस, स्नाइडर, वॉल्टेम, केबल्स के अंदर पॉलीकैब, KEI, मिसाल के तौर पर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, स्विच आउट इक्विपमेंट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, पैनल्स, केबल्स, केबल ट्रे, अर्थिंग, लाइटिंग, ये सब कंपनीज में आप अपनी जॉब बना सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ कंपनी के नाम शेयर कर रहा हूं जहां जॉब अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि स्विच गियर के अंदर ABB, सीमेंस, स्नाइडर्स, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर वॉल्टेम, TNR, किलोस्कर, केबल्स के अंदर KEI, RPG, AOKEP, उस तरह की कंपनीज के पास काफी सारे ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटीज है और वो कंपनी के अंदर डेफिनेटली आपके लिए जॉब क्रिएशन हो सकता है। आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज जैसे कि स्टर्लिंग विल्सन, स्टर्लिंग इलेक्ट्रो, प्रतिभा इंजीनियरिंग सर्विसेज, HEC इंफ्रा, सच इलेक्ट्रिकल्स, अक्षर इलेक्ट्रिकल्स, उस तरह की काफी सारी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े लेवल पे आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम करना पड़ेगा जिससे आपका स्किल डेवलप हो और आप रेडी टू जॉब लेवल पे काम कर सके। दोस्तों, कुछ सालों पहले अडानी ने 648 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कमुथी, जो कि मदुराई के पास है, वहां 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इंस्टॉल किया था और मुझे खुशी है कि मैं भी उस टीम का एक मेंबर था। दोस्तों, मैंने वहां हजारों लोगों को नौकरियां पाते हुए देखा और उसी अडानी ग्रुप ने 2025 तक टोटल 25 गीगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट इंस्टॉल करने का गोल रखा है, जिसमें से 13 गीगावाट ऑफ पावर प्लांट्स इंस्टॉल हो चुके हैं या ऑनगोइंग है। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। उसी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सोलर पैनल का 1.3 गीगावाट का पावर प्लांट इंस्टॉल किया और आगे के समय में 2 गीगावाट के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंस्टॉल करने वो लोग जा रहे हैं। उसी तरह विक्रम सोलर भी 2 गीगावाट के पावर प्लांट इंस्टॉल करने जा रहा है। रीन्यू एनर्जी भी उसी तरह 2 गीगावाट के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंस्टॉल करने जा रहा है। यह सब बता रहे हैं कि अगले 10-20 साल सोलर पावर प्लांट्स में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज सोलर पावर प्लांट बिजनेस में अगले 5 साल में 45,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और हम सब जानते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज उसका हर प्रोजेक्ट इन टाइम में कंप्लीट करते हैं। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का गोल है कि 2025 में वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी के तौर पे जाना जाए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से हर साल 8 से 10 गीगावाट मतलब कि
8,000 से 10,000 मेगावाट का हर साल डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा यह सब स्टोरी बताने का पर्पज है, आप मायूस मत होइए, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनटू द इंडस्ट्रीज, आप स्किल डेवलप करिए और स्किल को डेवलप करते हुए आप अपनी कैरियर बनाइए। तो मित्रों, भाषा का बहुत महत्व है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज की 5 भाषाएं हैं: कोड, स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट एंड ड्रॉइंग्स। इसमें से हम लोगों ने 2 भाषा, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये दोनों के बारे में आपसे डिटेल में बात की। अभी हम लोग तीसरी भाषा जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं, व्हाट इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ए स्पेसिफिकेशन ऑफन रिफर्स टू ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड बाय ए मटीरियल, डिजाइन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। आइए और उसको ज्यादा इलोबरेट करते हुए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल और इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, जिसको हम लोग स्पेक्स भी कहते हैं, एंड द टर्म फॉर मटीरियल्स रिक्वायरमेंट्स एंड इंस्टॉलेशन, आइदर इट इज फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेनी अदर्स, इज यूज डिफरेंटली इन डिफरेंट टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट, सो दैट देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑल द स्टेक होल्डर्स। ए स्पेसिफिकेशन इज ऑफन ए टाइप ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। यह जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहता है वो कोड्स एंड स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है उसी के तहत डेवलप होते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आप आपकी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी आप कंपेयर करते हैं, जैसे आप मोबाइल, आपका लैपटॉप, व्हीकल्स, वो सब में भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहते हैं। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेयर करके ही हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी उसी तरह आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है और वही समझते हुए आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट परचेस करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक 4-व्हीलर परचेस करने जा रहे हैं, तो 4-व्हीलर परचेस करने के लिए क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एक सैंपल लेते हैं हम लोग, अगर आप i20 हुंडई की कार खरीदने जा रहे हैं तो उसका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, और उसी के कॉम्पिटिटर जैसे कि मारुति सुजुकी, होंडा, उसका कौन सा मॉडल और उनका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वो आप उसको कंपेयर करते हैं। अभी हम लोग उसी कार का कंपैरिजन करने जाते हैं। अगर हम कार परचेस करते हैं तो हम क्या कंपैरिजन में देखते हैं, उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका व्हील बेस कितना है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है, इंजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका इंटीरियर क्या है। उस तरह से 3-4 जो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं उसका हम लोग कंपैरिजन बनाते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहते हैं और आप लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे आपको एक 11 kV/433 volt और 1000 kVA का ट्रांसफॉर्मर है उसका इलेक्ट्रिकल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसे होने चाहिए वो आपके बताने जा रहा हूँ। आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में HT पैनल्स, RMUs, LT पैनल्स, ट्रांसफॉर्मर, बस डक, लाइटिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, HT एंड LT केबल्स, केबल ट्रेस, लाइटिंग फिटिंग्स, कॉन्ड्यूट वायरिंग, स्ट्रीट लाइट पोल्स, UPS और इन्वर्टर, बैटरी एंड बैटरी चार्जर्स, अर्थिंग सिस्टम, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, और ये सबको इंस्टॉलेशन की जो गाइडलाइंस है वो सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के तौर पे समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV एंड 765 kV, ये सब के जो सबस्टेशन की इक्विपमेंट है उसके भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होने चाहिए उसका मैं आपको आज सैंपलिंग बताने जा रहा हूँ। आपको ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसकी रेटिंग कैपेसिटी, वोल्टेज रेशियो, टाइप ऑफ कूलिंग, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग मटेरियल, वाइंडिंग कनेक्शन, वेक्टर ग्रुप, टैपिंग्स ऑन HV साइड, टाइप ऑफ टैप चेंजर, कनेक्शन ऑन HV एंड LV साइड, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस,
ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर रेगुलेशन, परसेंटेज इम्पीडेंस, ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शंस, उस तरह के एसेसरीज के रिलेवेंट भी, यह सब चीज़ें आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखने चाहिए। यह चीज को आप लोगों को डिटेल्स में, जब ट्रांसफॉर्मर सब्जेक्ट पे हम लोग हैंड्स ऑन वर्क करेंगे, उस वक्त हम लोग आपको डिटेल्स में और इलोबरेट करेंगे। तो आइए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की वजह से जो कोई भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, एग्जीक्यूटर और यूजर, ये सभी के बीच में एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। वो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है और राइट प्रोडक्ट विद गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की तहत एग्जीक्यूशन होता है। दूसरा यह फायदा रहता है कि कंपैरिजन बिटवीन द ऑल द सप्लायर्स वो एक अच्छी तरह समझ पाते हैं। जैसे कि बोलते ना कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो यहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन परफेक्ट होने की वजह से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, जिसकी वजह से यूजर को, डिसीजन मेकर्स को काफी सारा फायदा रहता है। तीसरा यह रहता है कि जब आप नया प्लांट एक्सपांशन करने जा रहे हैं, तो आपके पास पुराने प्लांट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर है तो उसको लेके आप नए प्लांट को अच्छी तरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो उस तरह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वजह से काफी सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने तीन लैंग्वेजेस को समझा, वन इज कोड, सेकंड इज स्टैंडर्ड्स, थर्ड इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग चौथी लैंग्वेज जो कि डेटा शीट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए डेटा शीट के बारे में जानते हैं। डेटा शीट्स आर यूज्ड टू कैप्चर प्रोसेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स फॉर इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। The sheet incorporate information about the selected components in details for all products. एक बार परचेस ऑर्डर मिलने के बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उन सारी चीजों जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मेंशन की है उसको कंसीडर करते हुए डेटा शीट डेवलप करता है और वो डेटा शीट क्लाइंट से अप्रूवल करवाता है। अप्रूवल होने के बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरह डेटा शीट में क्या क्या डेटा फिलअप होना चाहिए, जैसे कि रेटिंग एंड केवीए, मेक, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, टाइप ऑफ कूलिंग, अलाउबल टेम्परेचर राइज, पेंटिंग, ऑयल टाइप, पोजिशन ऑफ टेप चेंजर, नंबर ऑफ वाइंडिंग एंड वाइंडिंग मटीरियल्स, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज रेशियो, फेस कनेक्शन, रेटेड करंट एचवी साइड, रेटेड करंट इन एलवी साइड, वेक्टर ग्रुप, परसेंटेज इम्पीडेंस, वाइंडिंग इंसुलेशन क्लास, टर्मिनेशन एट एचवी साइड एंड एलवी साइड, उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें डेटा शीट में फिलअप करनी रहती है। और डेटा शीट के साथ एक ड्राइंग बनाता है और उस ड्राइंग में ट्रांसफॉर्मर का प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू, वो सब चीज़ें डेटा शीट के साथ अटैच होता है और वो यूजर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। और यह सब नॉलेज हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम के ट्रांसफॉर्मर सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज की चार पिलर्स के बारे में बात किया। एक है कोड्स, दूसरा है स्टैंडर्ड्स, तीसरा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और चौथा है डेटा शीट। अभी हम लोग पांचवा पिलर्स जो कि ड्रॉइंग्स है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स दैट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स। एनी इलेक्ट्रिकल वर्किंग ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ लाइंस, लीजेंड्स, डायमेंशन एंड नोटेशन टू एक्यूरेटली कन्वे एन इंजीनियरिंग डिजाइन टू द वर्कर्स हु इंस्टॉल द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन द जॉब। इक्विपमेंट ड्राइंग्स जो रहते हैं वो OEM के डिजाइनर बनाता है, जो उसके अंदर प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू और उसके साथ जो कुछ भी एसेसरीज है वो सब डिटेल्स मेंशन करते हुए ड्राइंग को सबमिट करता है और उसी ड्राइंग को कंसीडर करते हुए डिजाइनर सिविल और मैकेनिकल ड्राइंग के साथ कोऑर्डिनेट करके कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रिलीज करता है। तो आइए अब हम लोग
किस तरह के ड्राइंग डिजाइनर इश्यू करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डिजाइनर सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन फ्लोर प्लान शोइंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, उस तरह के डिटेल ड्राइंग सबमिट करते हैं जो रिफर करते हुए एग्जीक्यूटर यानी कि वर्कर्स को उस तरह से इंस्टॉलेशन करना रहता है। तो आइए अब हम लोग ड्राइंग्स के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होने की वजह से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल, उनके बीच में अच्छा तालमेल रहता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्मूथली होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात किया। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, ये 5 लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कोड्स, दूसरा स्टैंडर्ड्स, थर्ड इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, चौथा डेटा शीट और 5वां ड्राइंग्स। ये 5 चीजों को आपको डिटेल में समझना होगा। तो आपने ये इलेक्ट्रिकल की 5 लैंग्वेजेस को अगर अच्छी तरह से समझा है तो आपकी फ्यूचर कैरियर में आपको बहुत ये फायदेमंद रहेगा। और ये हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम के तहत हमारी जो इंस्टीट्यूट है त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे हम लोग ये सब चीजें आपको हैंड्स ऑन के साथ समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपका दोस्त हर्षित त्रिवेदी धैर्य से सुनने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ स्किल इंडिया मुहिम के तहत नए विचार के साथ आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सराउंडिंग पीपल एंड बी सेफ। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।